नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना हाउस का पूरा मैप बताने वाली हूं, कितनी लंबाई चौड़ाई जो भी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इससे पहले मैंने हाउस टूर का वीडियो बनाया था जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो मैं अंदर से बाहर तक का अपने घर का पूरा लंबाई चौड़ाई बताने वाली हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैप भी शो करूँगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो मैप मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, हो सकता है कि आपको वीडियो में उतना क्लियर ना दिखे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखिए मेन गेट से, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था। और इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ, ये 10 फीट का है ताकि इसमें आराम से गाड़ी आ जा सके। और देखिए आज मैंने गाड़ी भी खड़ी कर दी है क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको पता चल सके कि कितनी जगह बच जाती है इसे खड़ी करने के बाद। देखिए बाइक भी खड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है और इसके साथ साथ एक ये देखिए स्कूटी भी खड़ी है, तो काफ़ी जगह बच गई है इसके बावजूद। और इसका जो एरिया है, वो जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं दरवाजे से लेकर, वो है 12x22। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया ये 12x22 है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे घर के दो दरवाजे, एक ये वाला है जो सामने आप देख रहे हैं और एक ये है, इसे DW बोलते हैं यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये एरिया मैंने आपको बता दिया 12x22 है, 12x22। और देखिए काफ़ी स्पेस बच गया है। और घर में आपको फिर से दिखा देती हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो में नहीं देखा है, पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, उसको ज़रूर देखें। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए पार्क बनाया हुआ है। और ये जो मेरा पार्क है ये है 7x9 का, पीछे से मेरे हस्बैंड बता रहे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। तो ये 7x9 का एरिया है जहाँ ये घास लगी हुई है, ये आर्टिफिशियल ग्रास है। और इधर देखिए ये फेरी बैठी हुई है, ये मेरी पक्की साथी है, जहाँ मैं जाती हूँ ये वहीं जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये प्लांट लगाए हुए हैं। और देखिए इस तरीके से ये सीढ़ियाँ गोल वाली बनाई है, इसका कारण ये था अगर हम सीधी सीढ़ियाँ रखते तो काफ़ी जगह वेस्ट हो जाती, तो इस वजह से हमने छोटी सीढ़ियाँ बनाई है ताकि ये जगह बच सके। और ये आप बरामदा देख रहे हैं, छोटा सा बरामदा है। तो ये है 11x4 का, ये देखिए। और ये दरवाज़ा पूछ रहे थे कि ये कौन सा है क्या है, इसे यहाँ पर DW बोलते हैं। और यहाँ पर भी मैंने देखी प्लांट रखे हुए हैं, और इधर भी देखिए ये हमारा पार्क है। और देखिए पक्षियों के लिए मैंने खाना और पानी दोनों रखा हुआ है, आप भी ज़रूर रखें क्योंकि गर्मियों में इन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है खाना पानी की। और ये खिड़की आप देखिए, ये खिड़की सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, ये छोटी सी खिड़की। तो इस खिड़की के पीछे बाथरूम है, हमने ड्राइंग रूम में भी एक बाथरूम दिया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई, भूल गई थी मैं, तो आज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वो। तो चलिए चलते हैं आप अंदर। तो देखिए ये है मेरा ड्राइंग रूम, तो ये सीलिंग जो आप देख रहे हैं ये मैंने गूगल पे सर्च करी थी जब हमने बनवाया था। तो आप भी इसी तरह सर्च करके कोई सी भी सीलिंग बनवा सकते हैं जो आपको पसंद हो, सबकी पसंद अलग अलग होती है। और इधर देखिए ये फ़ोटो लगी हुई है हमारी फैमिली की। और इसका जो एरिया है वो है 16x11, हाँ इसका जो एरिया है 16x11 का है, मैं बार बार भूल जाती हूँ इस वजह से मदद ले रही हूँ। तो दोस्तों देखिए वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है, और देखिए कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप सब लोग बोल रहे थे कि एल शेप का सोफ़ा लगाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, देखिए क्यों। और ये देखिए क्योंकि यहाँ पे ये है बाथरूम, छोटा सा ड्राइंग रूम में दिया हुआ है।
और ये है 5x3 का, और ये खिड़की देखिए वहीं पे निकल रही है बाहर जो मैंने आपको दिखाई। छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन घर में दो बाथरूम जरूर होने चाहिए तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से ये लग नहीं सकती है यहाँ पे, एल शेप का सोफा नहीं लग सकता है। ड्राइंग रूम में एक बाथरूम जरूर होना चाहिए, वो जो कि हमने दिया हुआ है। और इधर देखिए ये शोकेस लगाया हुआ है। छोटे से घर को बहुत ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है। 30x45 का प्लॉट है ये। और इधर देखिए ये है हमारा मंदिर जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, और इसका डिज़ाइन भी आप देख लीजिए। ये है 7x7 का, ये एरिया 7x7 का है। और ये जो डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं ये 14x7 का है। ये जो मंदिर के और किचन के बीच की जो जगह है वो 14x7 की है, आप नोट कर ले इस चीज को। और ये देखिए ये है हमारा छोटा सा किचन, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, ये भी 7x7 का है। ये देखिए, और इसका मैंने एक देखिए आर्च दिया हुआ है यहाँ पर भी, जैसे उस टाइम पे घर बनते थे उसी तरह का बना है, लेकिन मुझे अपना घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इधर देखिए एक छोटा सा वॉश बेसिन दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर ये किचन हो गया, और इधर ये मंदिर हो गया, और इसके बीच का जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, ये 14x7 का है। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम में। हमारे यहाँ दो बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। तो ये देखिए ये बेडरूम है, और ये हमारी अम्मा जी है। मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया था कि हमारे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। अब हमारी अम्मा जी अकेले हो गई हैं और हम इनको अपने पास ले आए हैं। ना वो सुन सकती है ना बोल सकती हैं, बस वो देखती रहती हैं इसी तरीके से। कोशिश करते हैं कि उनको खुश रख सके। तो चलिए बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इस कमरे का जो साइज है वो है 11x12 का, ये जो आप देख रहे हैं पूरा कमरा ये 11x12 का है। और पीछे देखिए ये वेंटिलेशन का एरिया दिया हुआ है हमने, ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन हम रखते हैं गर्मियों में, लेकिन अभी तक वो छत में ही रखी हुई है क्योंकि यहाँ धोने में उतना मन नहीं लगता जितना छत में लगता है। और इधर ये एसी का इधर लगा हुआ है, इसे भी हमने कवर किया हुआ है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये जो एरिया है ये 4x5 का है, और देखिए यहाँ पर हमने ये खिड़की लगाई हुई है ताकि ताज़ी हवा आ सके। और यहाँ पर नल वगैरह की फिटिंग कराई हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रोशनदान दिए हुए हैं, पीछे डेड दीवार है इस वजह से खिड़की नहीं दी है, उसके ऑप्शन में हमने इधर से ये रखा हुआ है ताकि इधर से हवा आए। अगर हम इधर से नहीं दे पाए तो हमने इधर से रख लिया है। और इधर ये बाथरूम, ये 5x7 का है, ये मैंने आपको दिखाया था 5x7 का एरिया है, दोनों तरफ से खुलता है। और सबको ये कन्फ्यूजन था दोनों तरफ से खुलता है, तो जब आप बाथरूम जाएंगे तो दोनों तरफ के दरवाजे बंद करेंगे ना, एक तरफ का तो नहीं करेंगे। तो बस इतना ही आपको करना है, दोनों तरफ के दरवाजे बंद करने हैं। चलिए बाहर निकल आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, और दूसरे बेडरूम में हम जाते हैं। और इधर देखिए फेरिया का बिस्तर, क्योंकि वो बिल्कुल भी बाहर रहना उसे पसंद नहीं है, अकेले डरती है वो। और इधर भी देखिए रोशनदान दिया हुआ है। और इधर हमने ये खिड़की रखी है क्योंकि ये डेड दीवार है तो यहाँ हम रख नहीं सकते हैं खिड़की। और इधर देखिए ये शोकेस लगाया हुआ है हमने। इधर है ये देखिए अलमीरा जो कि हमने बनाई हुई है,
और इधर ही इस कमरे में ही एसी लगा हुआ है। ओ देखिए इस तरीके से है ये भी 11x12 का है। और इधर से भी वही दरवाजा है बाथरूम का। बहुत लोगों को टाइल्स नहीं पसंद आई थी तो देखिए उस टाइम पे जो अवेलेबल था वो लगा दिया था। अब हम बार बार तो कुछ से बदल नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ऐसे कमेंट ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। और ये देखिए ये रखी है तो ये मैंने आपको दिखा दिया, सारी नाप बता दी है। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ड्राइंग रूम मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब उधर से बाहर चलते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये नाप वगैरह तो मैंने आपको बता दी है, तो बार बार याद रखना, मेरे बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और सब लोग कह रहे थे कि आपका घर 2 ही बेडरूम है तो आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही बड़ी जगह है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। तो मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर आप इसे कह सकते हैं मेरी नज़रों में। मुझे नहीं पता कि किसी को कैसा लगता है पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इधर देखिए ये ग्रीनरी प्लांट रखे हुए हैं मैंने। मैं ज़्यादातर गार्डनिंग वीडियो ही बनाती हूँ लेकिन आप सब कह रहे थे कि घर दिखाएं, आप अपना घर का नाप बताएं, इस वजह से मैंने आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाया है। और इधर देखिए मिनी, मेरा मिनी गार्डन। आपको बाहर जाके दिखा देते हैं डिज़ाइन फिर से, क्योंकि सब कह रहे थे कि घर का डिज़ाइन। फेरी इधर आओ, अरे हमारी फेरी भाग गई भाई, इसको पकड़ना पड़ेगा। फेरी बच्ची इधर आओ, जल्दी आओ। तो दोस्तों इसे मैंने पकड़ लिया है, अब चलते घर। और ये दरवाजा खोलते ही भाग गई थी। चलो बच्चे ये देखिए मेरा घर है ये बाहर से। और कुछ लोगों को ये कहना था कि ये आपने स्लाइड क्यों बनाया है। देखिए गाड़ी चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है, अगर हम ये स्लाइड नहीं बनाते तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती। तो मैं फिर से आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइनिंग है इसकी। और ये 30x45 का प्लॉट है तो आप चाहें तो इस पे दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल बना सकते हैं। तो मेरे लिए जगह तो बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ही परफेक्ट साइज है ये जगह का। तो दोस्तों आप सबके डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं मैप को भी शो करूँगी तो उसे भी ज़रूर देखें। और जिसको समझ में नहीं आता है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें पर्सनली वो जो आपका मैप है मैं उसे सेंड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।